बिहार सरकार लाख दावा कर ले कि बिहार में शराब बंदी है, लेकिन जीता जागता उदाहरण आप मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में देख सकते हैं, जहां अवैध शराब के नेटवर्क पर कोई लगाम नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन एवं थाने में बैठे बिचौलियों की मदद से धड़ल्ले से चुराई शराब बनवाया व बेचा जा रहा है। इस कारण आए दिन कोई ना कोई विवाद होता ही रहता है। असल में इस नेटवर्क में कहीं ना कहीं खाकी की भी मिली भगत है। लगभग आधा दर्जन गांव में शराब की भट्टियां धधकती है। वही क्षेत्र के मुसवा गांव में अवैध शराब बिक्री का हब बन चुका है, जिसका वीडियो सोशल नेटवर्क पर खूब वायरल हो रहा है। अवैध शराब भारी मात्रा में बेची जाती है। खाना पूर्ति के नाम पर पुलिस 5-5 लीटर शराब के साथ 4 आरोपियों को पकड़कर धारा 60 किसंस कार्रवाई कर अपना पीठ थपथपाने का काम करती है, तो वहीं कच्ची शराब को लेकर गुटों में वर्चस्व की जंग भी होती रहती है। पुलिस के आला अधिकारी जब भी जिले की पुलिसिंग को लेकर समीक्षा करते हैं, तो उस दौरान कच्ची शराब की बिक्री को बंद करने के लिए ताकीद कटाया जाता है। इस पर पुलिस 2-3 दिन अभियान चलाकर अधिकारियों को यह बताने की कोशिश करती है कि वह कच्ची शराब पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। उसके बाद सब कुछ पुराने ढड़े पर लौट आता है। मुसवा गांव समेत दर्जनों ग्रामों में कच्ची शराब की भट्टियां धधक रही हैं। शराबी उनके घरों में जमावड़ा लगाए देखे जाते हैं, जिसका आए दिन वीडियो वायरल होता रहता है। पुलिस जानबूझकर मामले से अनजान बनी हुई है।